News 18, India. बड़ी खबर आ रही है पंजाब के शंभू बॉर्डर से। सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया है और किसान नेताओं का कहना है कि सरकार के प्रस्ताव में कुछ भी नहीं है। किसानों ने 5 फसलों पर एमएसपी गारंटी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। किसान नेताओं के मुताबिक सरकार के प्रस्ताव में कोई स्पष्टता नहीं है, तो किसान नेता यहां पर अपने दावे कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, पंजाब के शंभू बॉर्डर से सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया है और किसान नेताओं का यह कहना है कि सरकार के प्रस्ताव में कुछ भी नहीं है। किसानों ने 5 फसलों पर एमएसपी गारंटी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और किसान नेताओं के मुताबिक सरकार के प्रस्ताव में कोई स्पष्टता नहीं है। किसान लगातार अड़े हुए हैं, उनकी अपनी मांगे हैं और 4 दौर की बातचीत लगातार किसानों की और सरकार के बीच अब तक हो चुकी है। किसान नेता सरवन सिंह पंडित हमारे साथ है। क्या हुआ कि आप लोग सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा रहे हैं, वो प्रस्ताव जिसमें ये कहा गया था कि 5 फसलों पर सरकार एमएसपी गारंटी देगी आपको? देखिए, उस प्रस्ताव में बहुत सी समस्याएं थी, तो माननीय मंत्री महोदय ने जो बोला कि हम इसके ऊपर 1.5 लाख करोड़ रुपया खर्च करेंगे, तो जो अभी अभी स्टडी आई है, जो अन्य अन्य बुद्धिजीवियों बोल रहे हैं भी अगर एमएसपी लीगल गारंटी कानून बनाए तो ये 23 की 23 फसलों पे इतना खर्च भी नहीं आएगा। तो आप 5 फसलों पे इतना पैसा लगा रहे हैं तो 23 पे लीगल गारंटी कानून बना दे। अब आगे क्या होगा, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि दिल्ली कूच करेंगे, 21 तारीख को ही कूच करेंगे, 19 को फैसला ले लिया है, 20 को ही कूच कर जाएंगे? देखिए, ऐसा नहीं, 20 को नहीं करेंगे, 21 का समय है। केंद्र के आप गेंद केंद्र के पाले में, उन्होंने कहा हम भी दिल्ली जाके अन्य मांगों के ऊपर, जैसे कर्ज माफी की बात है। तो आप सरकार को 21 फरवरी तक का समय दे रहे हैं? देखिए बिल्कुल। और इसी खबर पर इस वक्त मानव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानव, और क्या जानकारी है? प्रस्ताव तो सरकार की ओर से जो आया था उसको किसानों ने खारिज कर दिया, तो दिल्ली कूच का जो रास्ता है, क्या किसानों ने उसको एक तरीके से साफ दर्शा दिया है? अब देखिए, कल चंडीगढ़ में बैठक हुई थी, 3 केंद्र के मंत्री, 14 किसान, पंजाब के सीएम भगवंत मान, पंजाब के कृषि मंत्री वहां मौजूद थे, और ये जितनी भी पार्टीज हैं इन सभी लोगों ने ये कहा था कि बैठक बहुत अच्छी रही है, बहुत पॉजिटिव रही है। पीयूष गोयल ने बाकायदा मीडिया से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि 5 आपकी फसलें हैं जिसमें कि अरहर की दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल, आपका एक तरीके से जो ऊन, माफ कीजिएगा, कपास जो होता है, और इसके अलावा मक्का, ये 5 चीजें बताई थी। और ये कहा था कि बिना किसी लिमिट के सरकार खरीद करेगी, आपकी जो सेंट्रल आपकी एजेंसीज है, एनएफएड है या एनसीसीएफ है, इनके जरिए खरीद करेगी और 5 साल का इनसे कॉन्ट्रैक्ट कराएगी। तो जब ये प्रस्ताव रखा गया तो किसानों ने ये कहा था कि हम अपने बाकी संगठनों से बातचीत करेंगे। आज तमाम किसान नेताओं ने अपने संगठनों से बातचीत की और उसमें ये निर्णय लिया है कि सरकार के इस प्रस्ताव को ठुकराया जा रहा है, क्योंकि किसानों का ये कहना है कि सरकार जितना खर्च इन 5 फसलों की गारंटी, एमएसपी गारंटी पर करेगी, उतना ही खर्च लगभग सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी देकर उतना ही वो होगा। तो एक तरीके से ये बात किसान नेता यहाँ पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ किसान नेताओं ने ये कहा कि करीब 1,75,000 करोड़ का पाम ऑयल सरकार बाहर से इंपोर्ट करती है और करीब इतने में ही सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी सरकार चाहे तो दे सकती है। तो अब एक तरीके से अपनी मांग पर अड़ गए हैं किसान। मैं इस वक्त शंभू बॉर्डर पर हूं और समय तो आप सभी को पता ही है, 10:30 का हो चुका है और मेरे पीछे तमाम किसानों के यहां पर तंबू गड़े हुए हैं और ये तंबू अब 21 फरवरी के आगे भी यहां से 21 फरवरी को उखड़ेंगे, क्योंकि यहां से जी मानव यानी कि और मांगे यहां पर अलग अलग तरीके से रखी जा रही है और दिल्ली कूच का जो रास्ता एक तरीके से किसानों ने अब उसका इंडिकेशन साफ दे दिया है, वो भी साफ हो गया।